नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। सिटी पोस्ट लाइव ने सबसे पहले आपको एक खबर दी थी कि गिरिराज सिंह क्यों नाराज हैं, क्यों बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो हमने खुलासा कर दिया था कि गिरिराज सिंह इस बात को लेकर नाराज हैं कि जानबूझकर उनके खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने साजिश की है, और साजिश के तहत बगैर उनको भरोसे में लिए, उनको सूचना दिए बगैर उनकी नवादा सीट एलजेपी के खाते में दे दी है। गिरिराज सिंह का कहना है कि उनको बताया भी नहीं गया कि आपको नवादा छोड़ना है, उनको ये भी नहीं बताया गया कि आपको बेगूसराय भेजा जा रहा है, और खुद प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी ने ये डिसीजन ले लिया। उनका साफ मानना है कि उनको अपमानित करने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची गई थी, और जब तक भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय ये नहीं बता देंगे कि उनका सीट क्यों छीना गया, उन्हें क्यों नवादा से बेगूसराय भेजा गया, तब तक वो बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसके बाद भी ये कहते कि ऐसे ऐसे मजबूरी है, आप यहाँ छोड़ करके यहाँ लड़ते तो अच्छा होता, तो हम कहते ठीक है, माया मोह तोड़ेंगे। वहाँ एक 6 एकड़ का कई तरह का काम शुरू कर दिए थे, रूरल इकोनॉमी का डेवलप, तो मैं वहाँ से मोह हो गया था। बेगूसराय से पुराना लगाव है, 96 में वो चुनाव लड़ना चाहते थे। जी जी, और 14 में तो एकदम जी जान लगा दिए, संदर मिश्र चुनाव लड़ गए के खाते से। तो मेरा बेगूसराय से प्यार है, प्यार रहेगा। मैं आपको बता दूं कि गिरिराज क्यों इतने तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं और बीजेपी की क्यों सांस फूल रही है। दरअसल बिहार में भूमिहार बिरादरी के एक ही बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, गिरिराज सिंह। अगर गिरिराज सिंह मना कर देते हैं चुनाव लड़ने से, तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो भूमिहार कम्युनिटी है उसका अहम रोल रहा है बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने में। हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारे को घर घर पहुंचाने में भूमिहार समाज के नौजवानों की बहुत अहम भूमिका रही है और बहुत बड़ा सहयोग रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में बनाने में। तो अब जब बिहार में भूमिहार बिरादरी को केवल एक ही नेता, बड़े नेता को टिकट दिया गया है जो नाम है गिरिराज सिंह का, अगर गिरिराज सिंह मना कर देते हैं बेगूसराय से चुनाव लड़ने से, तो पूरे भूमिहार समाज के आक्रोश का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। वैसे भी बीजेपी ने बिहार में केवल 2 ब्राह्मणों को और 1 भूमिहार नेता गिरिराज सिंह को टिकट दिया है। इसको लेकर पहले से ही भूमिहार समाज बहुत नाराज है और ब्राह्मणों में भी नाराजगी है। ऐसे में गिरिराज सिंह अगर चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो भूमिहार समाज है वो चुपचाप बैठने वाला समाज नहीं है। तो इस बात को लेकर बीजेपी के नेताओं की सांस अटकी हुई है कि गिरिराज सिंह क्या करेंगे, और गिरिराज सिंह के जो तेवर दिखा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि जब तक पार्टी आलाकमान की तरफ से उनसे बात नहीं की जाएगी, जब तक भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष उनसे माफी नहीं मांगेंगे, तब तक गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होंगे। गिरिराज सिंह के बारे में यह भी बात फैलाई जा रही थी कि कन्हैया कुमार के डर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह का कहना है कि वो बेगूसराय से बहुत पहले से चुनाव लड़ना चाहते थे। 1996 में भी कोशिश की थी, 2014 में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पार्टी ने उनको नवादा भेज दिया। नवादा में वो चुनाव जीते, नवादा की जनता के दिल में जगह बना ली, और नवादा की जनता ने उनके जगह दिल में जगह बना ली। उनके कई प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं नवादा में, जिसको पूरा करने की जिम्मेवारी अभी बाकी है। ऐसे में बगैर उनको विश्वास में लिए, भरोसे में लिए उनकी सीट छीन लेना, ये बिल्कुल साजिश का हिस्सा है। तो देखिए, अब गिरिराज सिंह आज पटना आने वाले हैं, पटना आएंगे तो पता चलेगा कि क्या गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। हमारी नजर पल पल की खबर पर बनी हुई है। सबसे पहले हम ही बताएंगे आपको कि गिरिराज सिंह क्या करने वाले हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।